वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे मेरे शेर, एक बार कमेंट सेशन में अपना प्रेजेंट लगा दें, पूरे जोश जबरदस्त लेवल पे। जय हिंद एक बार कमेंट में लिख दें, मज़ा आ जाएगा आज के सेशन में। ज़बरदस्त आपका महा मॉक टेस्ट होने वाला है, फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट में दिल से, यार दिल से जय हिंद लिखते हैं, एक अलग लेवल का एनर्जी मिलेगा मेरे शेरों को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का महा मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट का लेक्चर नंबर कितना है बेटा? 9। लेक्चर नंबर कितना है? 9। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 70 out of 70 की जंग चल रही है मेरे शेरों, 70 में से 70 की लड़ाई है। क्लास का टाइमिंग है 5:30 बजे, आप देख ही रहे होंगे। ये जो जिद है वर्दी की, ये दिला के रहेंगे, वादा है टीम आरएसआर का, याद रखना, ठीक है? पिछले 6 महीने से इसीलिए मेहनत की जा रही है बेटा। अगर आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया तो बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, आप ओपन कर सकते हैं और आप इस प्रोफाइल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे, यहाँ पर आपको हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग में 8 AM पे, इवनिंग में 8:30 PM पे आपको मिलेगी। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं प्लस क्लासेस के, अगर आप प्लस क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा उसके लिए ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर अपन बात करें आपका 3 month, 6 month या 12 month सेलेक्ट करने के बाद आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव कैपिटल लेटर में, देन आपको 10% ऑफ होगा। और उसी प्राइस रेंज में आप बाकी सारे एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं, यही प्राइस आपका रहेगा, बाकी सारे एजुकेटर से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल की बात करें तो ये टेलीग्राम चैनल हमारा रहेगा टीम आरएसआर, जहाँ पर आपको क्लासेज अपडेट लिंक्स इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दिया जाता है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले सर आज के क्लास की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है? सबसे पहले मैं आज के क्लास की कट ऑफ की बात कर लूँ, वो क्या रहेगी तो उस पर मैं बात कर लूँ। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आज का कट ऑफ, फिजिक्स का कट ऑफ। गुरु जी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा बेटा, 15+ तो चाहिए। मेरी गिनती 15 से स्टार्ट होगी, एग्री कर दो सर 15+ तो फोड़ के दिखाऊंगा, ईमानदारी से मेहनत की है सर पिछले 5-6 महीने से, फोड़ के बता दूंगा 15+ out of 25, 15+ एग्री करो फटाफट से। स्टार्ट करते हैं बेटा फिर फटाफट से फिजिक्स में 15+। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, फटाफट से एग्री करो 15+। अब इससे प्लस करो वो तुम्हारा बोनस है बेटा, इससे प्लस करो वह तुम्हारा बोनस है, इससे प्लस करो वह तुम्हारा बोनस है, ठीक है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पर, और पहले सवाल पे अगर अपन यहां पे बात कर रहे हैं तो ये आपका टाइम में स्टार्ट कर लेता हूं। यस भैया इधर आ जाओ, बाबू भैया किधर गो तुम जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके दो राशियां जिनकी बीमाएं समान नहीं है तो उनके साथ कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती? दो राशियां जिनकी बीमाएं समान नहीं है तो उनके साथ कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती? ओए बापू क्या सवाल बनाया है। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, सेम राशियों वाले पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो बेटा क्या नहीं कर सकते आप है? आप उनको अगर बीमाएं समान नहीं है तो आप उन राशियों को जोड़ या घटा नहीं सकते, आप उनको ऐड नहीं कर सकते, आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्या एग्री करती है मेरी आर्मी? पहले का ए, अरे वाह मेरे लाल वाह, ये मैंने बोला M1 और ये मैंने बोला आपका वेलोसिटी, तो L1 T-1, तो ये टोटल M1 L1 T-1 नहीं हुआ क्या? तो गुणा हुआ कि नहीं हुआ? क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे ना गलती करो भाई, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तुम्हारा कमेंट बहुत स्लो आता है यार, या तो तुम चुपके बैठ गए या कमेंट करना नहीं चाह रहे तुम, ये गलत बात, जल्दी कमेंट करो थोड़ा सा। संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वैलिड है? hmm.
ओ कंजर्वेटिव फोर्स बापू, टॉप सवाल बनेगा इधर से। कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल, जिनका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब दिशा पर्टिकुलर होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पथ पे निर्भर नहीं करते। ओहो सही बात बोलिए, ये पथ पर निर्भर नहीं करते। जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो डिपेंड करते हैं पथ पे, जैसे घर्षण बल हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। कतई जहर बात बोल दी, राइट स्टेटमेंट है। ये अंतिम और प्रारंभिक ऊर्जा फलन के अंतर के बराबर होते हैं। जी हाँ, फाइनल इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है, डिफरेंस के बराबर। कतई जहर बात बोलिए। ये पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है फिर से, क्योंकि कंजर्वेटिव है, संरक्षित है मेरे भाई। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउ, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस तरीके के सवाल। आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक समान त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रभावी त्वरण होगा। तीसरा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। एक समान त्वरण से वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो सोच के देखना, त्वरण एक समान है तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, इफेक्टिव। ऊपर फेंका है तो वस्तु ऊपर जा रही है, तो मेरे भाई एक बात तो क्लियर हो गई, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ए जी से ज्यादा है, ये कंफर्म हो गया है। अगर ए जी से ज्यादा है तो रिजल्टेंट यानी परिणामी ए नेट, तो ए में से जी को माइनस करना पड़ेगा। अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे गिरती दोनों को जोड़ देते। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या फोड़ा क्या तीसरे में डी? अरे वारे मेरे लाल, अरे वारे मेरे लाल, डी कैसे कर दिया रे बेटा, डी कैसे कर दिया रे, हैं बदमाश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे बेटा। आप कहोगे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा लो, पढ़ा लेंगे, लेकिन ये जो तुम लापरवाही कर रहे हो ना, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई, पहले बता दे रहा हूं। घूर्णन गति से सीधा संबंधित नहीं है, घूर्णन गति से सीधा संबंधित नहीं है। कोण से सीधा संबंधित नहीं है बेटा, निम्न राशि घूर्णन गति से सीधा संबंधित नहीं है। आप मुझे बताओ रोटेशनल मोशन में मास का काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्जिया भैया, आई आई बराबर एम आर स्क्वायर है ना, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास का काम करता है। तो रोटेशनल मोशन में मास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो पहला ऑप्शन उड़ा देंगे राइट ऑप्शन के रूप में, मास, वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फोड़ना है, जल्दी जल्दी, यस ओके ओके। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी क्यू, तो पी वेक्टर व क्यू वेक्टर के बीच कोण होगा? पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर बराबर पी क्यू, अरे यार डॉट प्रोडक्ट हटाया तो पी क्यू कॉस थीटा, मतलब कॉस गायब हो गया, मतलब थीटा 0, कॉस 0 का मान 1, तो थीटा कितना 0। अरे पैरेलल आ गया ऑप्शन ए। हाँ 45 कर ले बेटा, क्यों 10 10 आता ना इधर, तो 45 कर रहा है तू बदमाश। ए आएगा फटाफट से, जल्दी करो, ए ऑप्शन करेक्ट है, फास्ट। तुम इतना टाइम नहीं लोगे ऐसे सवालों में यार, गलत बात। कॉस 0, कॉस 0 का मान 1। अरे बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, टॉप लेवल पे, फोकस तो करो। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 10 kg द्रव्यमान को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पे उसका भार केंद्र पे ही ले गए। अरे बापू ये क्या कर दिया, ये पृथ्वी सेंटर पे ले गए, सेंटर पे तो जी हो गया 0, तो भैया वेट भी हो गया 0, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये क्या है, ये अचार हलवा, ये कोई मतलब नहीं है, ये मेकअप है, कोई मतलब नहीं है। वेट आपका 0 हो जाएगा सेंटर पे, क्योंकि जी 0 होता है सेंटर पे। उड़ा दो राफेल की स्पीड से उड़ा दो। सिक्स्थ में ए, यस। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण कम करने में यूज नहीं कर सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है, ये तो भाई बिल्कुल भोले से बच्चे को भी दिख जाएगा।
भाई इससे फ्रिक्शन कम होता है, इससे फ्रिक्शन कम होता है, इससे कम होता है। लेकिन मिट्टी, अरे मेरे भाई, मिट्टी फ्रिक्शन बढ़ा देती है, घर्षण बढ़ा देती है फ्रिक्शन। कौन? मिट्टी, सैंड जो होती है मिट्टी होती है। हम तो राजस्थान वाले, हम तो देखते हैं, हम तो रहते ही मिट्टी में ही है। वहाँ पे एक हल्की सी आंधी आ जाए ना तो भाई साहब मिट्टी मिट्टी हो जाती है, एक पूरी बढ़िया सी लेयर जम जाती है। और तुम बाहर जाके यूँ खड़े हो जाओ बड़ बड़ के, शाहरुख खान यूँ बढ़ के, है ना, NDLJ वाले, तो भाई साहब 5 मिनट में पता चलेगा कि एक नई परत चढ़ गई है ऊपर, तुम्हारा मेकअप हो जाएगा ब्रांड लेवल का। तो सैंड मिट्टी क्या करती है? फ्रिक्शन करती है, घर्षण कम करने में प्रयोग नहीं होता। इसका होता है, इन तीनों का होता है, लेकिन इसका नहीं होता। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एट नंबर, फटाफट से, जब किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगुना किया जाए, फास्ट जल्दी करो बेटा, गतिशील वस्तु की चाल को दुगुना करेंगे, हवन करेंगे, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल्ड देन, अरे यार मोमेंटम पी बराबर एम वी, अगर वेग दुगुना करेंगे तो मोमेंटम दुगुना होगा ना, क्या बी ऑप्शन लगा दें? क्या सोचना पड़ेगा ज़्यादा? अरे तुरंत लपेट देंगे, हैं, बी ऑप्शन लगा देंगे तुरंत से, कतई जहर लेवल पे। आगे आ जाओ बेटा। ओ ये कॉन्सेप्ट दिल को छू गया रे मेरे लाल, बार बार पेपर में आएगा, एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है जुरीन लो, छोड़ने का नहीं इसको, कैसे ही घुमाए घुमाएगा गोल गोल। एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? आर। केश नली का व्यास दुगुना, मतलब डायमीटर दुगुना करो तो रेडियस भी दुगुना होगा, तो हाइट अपने आप ही क्या होगा? हाफ, यानी आधा। आधा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लो जी कर लो बात, हमने राजस्थान की बात की, एक बच्चा कमेंट कर रहा जी आंधी आ गई, कर लो बात, नाम लेना ही भाई साहब पाप हो गया, नहीं लेंगे हम तो, नहीं अब नहीं लेंगे भाई। ये बात तो है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी बराबर 2π√L/g, तो टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रूट एल, तो डेल टी बट्टा टी इंटू 100, 1/√2 आगे आ जाएगा डेल एल बट्टा एल इंटू 100। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। 1/2, ये कितना है लंबाई में, कितना परसेंट की कमी कर रहा है? 2% की कमी कर रहा है ना, तो 2%, 2 से 2 कट गया, 1%। अब आप मुझे बताओ टाइम पीरियड में 1% की क्या होगी, कमी होगी कि वृद्धि होगी? जल्दी से बताओ यार, ये बात सोचने वाली है। अरे प्रपोजनली है ना, तो लंबाई में क्या कर रहा है? कमी, तो टाइम पीरियड में भी क्या होगी? कमी, डिक्रीज, प्रपोजनली है। हाँ सी कर लो, पक्का सी वाले बच्चों की पिटाई करेंगे भाई। हाँ गलत, प्रपोजनली आ रहा है मेरे भाई, तो अगर तू एल को कम करेगा तो टी कम नहीं होगा, प्रपोजनली है यार, ये लापरवाही फिर से कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, सच बता रहा हूं। ये छोटी छोटी गलतियां तुम पेपर में करके आओगे, पूरी मेहनत पे पानी फेर दोगे, अपने पे भी और हमारी पे भी। 1 नंबर की वजह सिलेक्शन रुक गया, 0.25 की वजह सिलेक्शन रुक गया, ना तुम अपने आप को माफ कर पाओगे, ना हम अपने आप को माफ कर पाएंगे, और उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। हमने पूरा बताया, अब आप फिर भी पेपर में जाके गलत करके आओगे, तो बताओ कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ऐसे ना करो मेरे भाई। ये आपका बेटा ऑल इंडिया लेवल पे लाइव टेस्ट है आज 9 बजे, जिन बच्चों को नहीं पता, सभी बच्चे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे वाला, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 9 बजे, ठीक है? ये डेली चलेगा आपका, 9 बजे से डेली रहेगा बेटा। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो लगाए गए बल की दिशा में प्रति इकाई लंबाई में होने वाले परिवर्तन को, बल की दिशा में परिवर्तन हो रहा है भाई, ये बल लगा दिया इकाई लंबाई में, मतलब लेंथ में चेंज कर रहे हो, रस्सी पे लटक जाओ, मम्मा झूला झूलना है बेटा, झूल ले, मम्मा तीज आ गई, तीज, झूला झूलना है, झूल ले बेटा, झूला झूलने के लिए गया बैठा और झूला लटक गया नीचे, टूट गया, पैंदा प्लेन हो गया नीचे से, और जब रस्सी रस्सी की लेंथ इंक्रीज हुई रस्सी टूटने से पहले, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, और जब नीचे आके गिरा तो पेंदा प्लेन हो गया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, लॉन्गिट्यूडनल, रस्सी की लंबाई बढ़ गई बेटा, ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर गया।
निम्न ग्राफ में दाब पी आयतन वी के लिए समतापी व रुदोष्म वक्र खींचे गए हैं। रुदोष्म वक्र होगा रे, साफ साफ दिख रहा है रे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइडियाबेटिक कंप्रेशन। ये आइडियाबेटिक है, ये आइडियाबेटिक है, तो बीसी और एडी, बीसी और एडी, ये बीसी हो गया, ये आपका एडी, ये दोनों ही आइडियाबेटिक है, रुदोष्म है, ये दोनों ही क्या है, आइडियाबेटिक है। अच्छा ये दोनों कौन है फिर, आइसोथर्मल समतापी, तो फिलहाल तो ऑप्शन बी लगाओ और आगे बढ़ो। जी हाँ, अगला सवाल। दो बूंद मिलके बूंद बना ले तो इस प्रक्रम में, बूंद से बूंद मिली तो बड़ा बूंदा बन गया, ये एक बूंद आई, दूसरी बूंद आई, एक बड़ा बूंदा बन गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बूंद मिलके एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो उनका सरफेस एरिया घटता है, जिससे एनर्जी रिलीज की जाती है। एरिया घट गया तो ऊर्जा को बाहर निकालना पड़ेगा, तो एनर्जी को इमिट किया जाएगा, उत्सर्जित किया जाएगा। अगर एक बड़ी बूंद के टुकड़े कर दे छोटी छोटी बूंदों में, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे उसके एनर्जी को अब्जर्व करना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा। बार्बर के पास जाते हैं भाई बाल वाल छटवाने के लिए, तो वो स्प्रे करता है, तो गर्मियों में तो बड़ा मजा आता है यार, थोड़ा सा और कर ले रे, मजा आ जाएगा। सर्दियों में जाओ, अरे भाई तू रहने दे यार, ऐसे ही काट ले अपने, तो है ना, चल जाएगा काम। वैसे ही तो वो स्प्रे करता, तो सर्दियों में, गर्मियों में ठंडा महसूस होता है, सर्दियों में और ठंडा, तो फिर वहाँ पर बैंड बज जाती है, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और इसमें एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जब दो बूंद मिलके एक बड़ा बूंदा बनाएगी। याद रखना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे भैया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, लपेट दो, तुरंत लपेट दो बेटा। कौन सी तरंग समान कला में है, निम्न तरंगों में से कौन सी दो तरंगे समान कला में, मजा ही आएगा बाबू भैया। किस डिस्ट्रिक्ट से हो, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूं बेटा, राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट से, हम सीकर में है हमारा घर, और ऑफिस जयपुर में है, सीकर जयपुर यानी बॉर्डर पे है, कुल मिला के बात ऐसी। निम्न तरंगों में से कौन सी दो तरंगे समान कला में है, समान कला में, अरे यार का बात बताऊं, पाई का डिफरेंस है, इधर पाई बाय टू का डिफरेंस है, ओ टू पाई, और ओमेगा टी यानी जीरो। ए और डी देखो किधर को दिखता है, इधर को छुपा के बैठा है लास्ट में जाके, समान कला में कलांतर जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, ऐसा कुछ होता है, क्या कहते हो, ऑप्शन डी करेक्ट लपेटा क्या, लपेट दिया बेटा। 12 में दोनों आइडियाबेटिक बता दिए, आइडियाबेटिक दोनों, ये दोनों ही आइडियाबेटिक है, तो बेटा बीसी भी आइडियाबेटिक है, बस ये एक्सपेंशन है, ये प्रसार है, ये कंप्रेशन है, लेकिन दोनों ही आइडियाबेटिक है। अच्छा ये आपका आइसोथर्मल है, समतापीय ये वाला और ये वाला, ये समतापीय है, बाकी ये तो दोनों आइडियाबेटिक ही है बेटा, सही तो बताया है, आप शायद कोई डाउट में आ गए बेटा, सही आंसर ओके। फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस आपका जीरो, इसमें टू पाई, ये दोनों नहीं हो सकते बेटा, है ना, तो आपका ए और डी करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, समान द्रव्यमान के एक धातु के दो गोलों को आवेशित करेंगे, तो एक गोला दूसरा गोला, एक से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक को इलेक्ट्रॉन दे दिए यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मुझे बताना यार, इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 kg। अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो मास की कमी होगी,
यानी एम की कमी हो गई। इधर आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन की आपकी वृद्धि हुई, वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लाएगा, मास, तो मास की भी वृद्धि हो जाएगी यानी मास बढ़ जाएगा। तो धनावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, गलत। दोनों का द्रव्यमान समान होगा, गलत। ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, जहर बात बोल दी। द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज स्फीयर विल बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी, डी तो वैसे भी नहीं होगा, सी ऑप्शन लगा दो। बताओ कोई डाउट किसी बच्चे का? हाँ बेटा, किसी बच्चे का डाउट है? 15 में सी। अरे मेरे शेर, ऐसे फोड़ना मजा आएगा। उत्तल लेंस का एक बिंब का पूर्ण प्रतिबिंब बना रहा है, यदि आधे लेंस को अपारदर्शी पदार्थ से ढक दिया जाए तो क्या होगा? पहले भी मैंने इस सवाल को कई बार आपको मेंशन किया, ये एनडीए में आ भी चुका है, शायद 17 या 18 में। ये आपका लेंस है, इसका आधा भाग अगर आपने ढक दिया, केवल आधा भाग है, तो भैया एक चीज़ तो क्लियर हो गई, पहली बात तो प्रतिबिंब आधा दिखाई देगा नहीं, प्रतिबिंब पूरा ही बनेगा, इमेज पूरा ही बनेगा। पूर्ण तीव्रता का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम होगी पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा, यस। इंटेंसिटी कम होगा इमेज फुल बनेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा लेकिन इमेज फुल बनेगा, सी। पूर्ण तीव्रता का आधा प्रतिबिंब नहीं, नहीं, इमेज हाफ नहीं बनेगा, इमेज फुल होगा। हाँ, अब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीव्रता में कमी आ जाएगी। ये एनडीए में सवाल पूछा गया था, शायद 17 या 18 में, एक बार प्रीवियस ईयर में जाके आप चेक कर लेना, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है पेपर इसका इससे हाई आएगा। बेटा एक बात बोलूँ क्या, तो बस एक बार इंतजार कर 12 तारीख का, बस। अगर तूने रियल में मेहनत की है ना बेटा, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और तूने प्रैक्टिस की भी हमारे साथ, तो 15 क्वेश्चन तू गिन के काउंट कर लेना। हाँ, हो सकता है 13, 14, 15 हो जाए, हो सकता है 16, 17 हो जाए, दिमाग से छपे पड़े मिलेंगे, 5 मिनट में फोड़ना है उनको, 5 मिनट में, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, याद रखना जो आज बात बोल रहा हूँ इस बात को, फिर पता चल जाएगा आपको। ठोक के बोलते हैं बेटा, 100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्ट की कार्यशील है, तो इसका प्रतिरोध, अरे यार, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर, तो आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी, तो वी कितना है बेटा, वी कितना है, वी बताओ, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट बता, पी कितना है, पी 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 100 वोल्ट है ना, अरे यार गुरु, क्या रे, ये तो चूहा निकला, का रे, ये तो चूहा निकला, नाम शेर सिंह और बन गया इधर चूहा। देखो इतना बड़ा सवाल देख रहे थे इधर आके, यू कैसे है, 625 आंसर आ गया डायरेक्ट। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो सवाल सीधा सा है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट एन आई, बेटा म्यू नोट एन आई, अपन क्या करेंगे, धारा का मान दुगना, धारा का मान दुगना, और प्रति सेंटीमीटर फेरों की संख्या आधी, प्रति सेंटीमीटर फेरों की संख्या आधी, 2 से 2 कटेगा, नो चेंज, नो चेंज लपेटो, नो चेंज मेरे लाल, नो चेंज, फोड़ दो अगला सवाल। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ओहो ये सवाल मैंने मॉर्निंग में ही बताया था, बहुत बड़ा हलवा। सोचो बेटा, सोचो क्या डिफरेंस है, खेला होगा नहीं तो खेला होवे, यस। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर है एसी, अल्टरनेट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बहुत बड़ा खेल है मेरे भाई, सवाल के पीछे का समझ जाना, समय रहते लपेट लेना इसको, ओके। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवालने की तमन्ना है, एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति हानि होगी, अरे यार पावर कंजप्शन आर में तो होता ही नहीं है, नहीं, आर में सबसे ज्यादा होता
आर में पावर कंजप्शन मैक्सिमम होता है, क्यों? क्योंकि कॉस फाई बराबर कॉस जीरो का मान एक तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन सी में और एल में फेज डिफरेंस पाई बाई टू, तो पावर कंजप्शन पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस, और कॉस पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो गया जीरो, तो पी बराबर आपका क्या हो गया जीरो। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किस में, सी और एल दोनों में, सी और एल दोनों में डी ऑप्शन है, बोथ एल एंड सी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। अरे यार, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, धातु की प्रकृति पे, प्लेटों के बीच की दूरी पे, मोटाई पे, हैं? प्लेटों की मोटाई, यार ये तो कंफ्यूज कर दिया। धारिता प्लेटों के संधारित्र की जो धारिता है वो डिपेंड करती है धातु की प्रकृति, निर्भर करती है प्लेटों के बीच की दूरी। नहीं, प्रकृति, धातु की प्रकृति कौन सी है? आपने कॉपर लिया या एल्यूमिनियम लिया, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। आपका आप एरिया क्या है प्लेट का, मीडियम क्या है बीच में, और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, मोटाई पर डिपेंड नहीं करेगा, विभवांतर पर डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे, डिपेंड नहीं करता। एक सवाल याद होगा आपको, डिपेंड नहीं करता है वो वाला सवाल, इसमें एक सवाल बनता है, उस वाला सवाल याद रह गया दिमाग में, अभी गलत हो जाता, पोल पंगा हो जाता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, बीच में ए होगा, एलसीआर परिपथ में शक्ति की हानि होती है। अरे यार, आर में मैक्सिमम होता है, तो फिर ये नहीं होता वाला क्यों लगा रहा है? मतलब सवाल होती है बताना है, वो केवल आर में होगी। मैंने इधर आर में मैक्सिमम बता दिया, फिर इधर क्या कर रहा हूं, हलवा कर रहा हूं। ये दूसरा सवाल बताने के चक्कर में दिमाग में क्या था भाई, ये तो अपना आंसर हो गया, आर में मैक्सिमम हो गया, ये बता रहा हूं ये दूसरा सवाल जिसमें नहीं होता है, और उसी का पोल लगा दिया, माफी चाहता हूं बेटा, उसी का पोल लगा दिया मैंने, मतलब उसी का आंसर लगा दिया। ये दूसरा सवाल है जो नहीं करता है, ये नहीं करता है पावर कंजप्शन। ठीक है बेटा, अब ठीक है, ओके ओके ओके। अरे ये दूसरा सवाल बता रहा था मैं, ये तो आंसर यही हो गया था आपका, आर तो मैक्सिमम वाला, अब ठीक है। बहुत लेट कमेंट आते हैं तुम्हारे, यार इतना लेट कैसे आते हैं पता नहीं यार। चलो ये सही हो गया, प्लेटों के बीच की दूरी बी आंसर करेक्ट है। 21 में 22 में आ जाओ फटाफट, कहाँ गए अरे तू, अरे ओए, अरे निकल बाहर, अरे यार बड़ा गुस्सा है। ओके ओके ओके, 22 में आ जाओ। 22 क्या है, सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा समानुपाती होती है, टोटल एनर्जी। ओह सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा, सोचना पड़ेगा, 1/2 m ω² a² देन ऑप्शन डी, क्या कहते हो? अरे कर दे धमाका, फोड़ दे क्या, कर दे धमाका। अरे टोटल एनर्जी पूछ रहा है SHM की, 1/2 m ω² a² कहा खोए हो तुम्हें। ये जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं वो तो वो सवाल था, ए बराबर ω² x वाला, तो ए बटा x का अनुपात कितना होगा, तो वह ω² वाला, उसका तो ऑप्शन सी था। तुम कितना रट्टा मारते हो रे, आंसर रट लेते हो तुम्हें बदमाश, डी आएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, 1/2 m ω² a² जल्दी करो, अपना टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है। ताप बढ़ाने पर एक अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसका, अर्धचालक का, रो ताप बढ़ा देंगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, देन रेसिस्टिविटी, ताप बढ़ाने पे एक अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अर्धचालक है, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन बी करेक्ट है क्या, चेक करो, ऑप्शन बी करेक्ट है क्या बेटा, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 24, एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m तथा ध्रुवीय सामर्थ्य m है,
यदि उसे तीन बराबर लंबाई के टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा का ध्रुव सामर्थ्य होगा, प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव सामर्थ्य होगा। जल्दी बताओ, जल्दी 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 फास्ट। इसमें बी, हाँ जी बी, नेक्स्ट में आ जाओ। टुकड़ों में काटा है रे मेरे भाई, ऐसे काट लेंगे तो पॉलर स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पॉलर स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा, नो चेंज। अगर आप ऐसे काटते तो फिर आधा हो जाता, फिर मेरे लाल आधा हो जाता, फिर आधा हो जाता। 24 का सी होगा, 24 का सी होगा। अरे यार 24 का सी होगा, अरे कतई बात बोल दी तुमने, गजब। अगला सवाल कहाँ गया रे? यस, अब आ जाओ। एक फोटोन का संवेग यह है तो उसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फटाफट से जल्दी बेटा, जल्दी से फोटोन की ऊर्जा। ये आपको मोमेंटम दिया है, क्या सवाल बना है, इस सवाल को देखना मेकअप। ई बराबर एम सी स्क्वायर से ई बराबर एम सी इंटू सी, तो ई बराबर एम सी क्या हो गया, मोमेंटम पी इंटू सी। आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना। पी कितना है, 2 × 10^-16। ये CGS में है तो ये भी CGS में है, खेला हुए ध्यान रखना। और फिर सी क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10^8, भूल जाना, मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 6 और ये 8 × 2 = 10, 10 में से 16 गया तो 6 × 10^-6, 6 × 10^-6। ओहो क्या टॉप कैलकुलेशन है बापू, लास्ट में एंट्री मारिए है, सी ऑप्शन करेक्ट आया क्या, 6 × 10^-6, क्या एंट्री मारी है, हैं फटाफट से। अरे डी कौन आ रही है, डी वाला, डी कहाँ से आ जाएगा, हैं माइनस काट कहाँ से आएगा। अरे अच्छा अच्छा बाबू भैया, सेंटीमीटर मीटर का लफड़ा है, मैं बोला था गलती कर गए, ये मीटर में आता है और ये वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में, तो बेटा मीटर को बदलना भूल गए। मतलब आंसर तैयार है बेटा तुम्हारा, पेपर में भी ऐसा ही होगा, पेपर में गलत आंसर पक्का मिलेगा तुम्हारे को जो तुम गलती करोगे, पेपर में भी ऐसा ही होगा। आ जाइए सर, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ में, लाइक करना भूल गए, कर दो सर, चेंज हो रहे हैं, मेरी इज्जत खराब कर रहे हो तुम्हें, फटाफट से जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें, पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में। यस बिल्कुल, अब रेडी हो जाओ इंग्लिश के पेपर के लिए, और इंग्लिश का पेपर हम फोड़ने वाले हैं, शुरू कर दे तो ले ले फिर बजरंग बली का नाम, है भारत माता की जय हो। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन के साथ में, और वही अपन 15 सेकंड अपनी लेंगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां से, क्लियर है, चलो भाई स्टार्ट कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश, ओके 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 ओके, शाबाश शाबाश, टाइम 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 खत्म होने वाला ही है, जल्दी से चलिए 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 फटाफट। ओके सर, टाइम की एंडिंग हो चुकी है और हमारा क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि द एमडी टोल्ड अस, एमडी ने हमसे कहा है अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, तो सर आंसर तो वी से बनेगा, टोल्ड आया है तो सर वर बनेगा, तो ये तो सारा कैंसिल हो गया, इसका मतलब एक नंबर ही आंसर बचेगा कि वी वर टोल्ड, हमें कहा गया है अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बाय द एमडी, एमडी के माध्यम से हमें प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, ये लीजिए, ही सेड, उसने कहा आई हैव रेड दिस नॉवल, तो दिस का दैट चेक करो कि सर दिस गलत और ये दिस गलत, ये दैट और ये दैट, और हैव रेड का हेड रेड चेक करो, सर ये हेड है और यहाँ पे ये गलत, तो बी ऑप्शन इज राइट हियर, ही सेड दैट ही हैड रेड दैट नॉवल, बी ऑप्शन इज राइट हियर, बी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन, शाबाश, टाइम एंड हुआ कि सर द डॉग, और हमने यहां पर देखा सर ये जानवर है तो विच आना चाहिए, लेकिन विच नहीं है, तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन बचेगा, दैट, कि द डॉग दैट बिट द चाइल्ड, कि वह कुत्ता जिसने बच्चे को खाया था वो कुत्ता क्या हो गया, पागल हो गया, दैट आएगा ना, हु आएगा ना, इट सेल्फ आएगा ना, हु जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा। क्वेश्चन नंबर चार,
क्वेश्चन नंबर चार, फटाफट से क्वेश्चन नंबर चार। ओके, लिखा हुआ है मच पेंस की, सर अब की बार क्या लिखा हुआ रहा है, मच, और मच क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो ये पेंस भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ही हो जाएगा। अगर इस मच की जगह मेनी होता तो वर्ब प्लूरल होती, लेकिन अब की बार वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। हैज आंसर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच, ये लीजिए, टाइम एंड हुआ कि वी गो टू फील्ड्स, हम खेतों में जाते थे, जाते हैं, जाते रहेंगे या जाया करते थे पता नहीं, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में, स्कूल के घंटों के बाद में, इन आवर यंग एज, हमारी युवा अवस्था में, भाई साहब युवा अवस्था में जाया करते थे, इसका मतलब सर पास्ट हैबिट, और पास्ट हैबिट के लिए एक ही मॉडल आता है जो कि होता है वुड, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया वुड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, टाइम एंड हुआ कि सर हमें यहां पे एनिमल का साउंड पूछा जा रहा है, तो क्रो क्या करता है कि सर वो क्रो तो काऊ काऊ करता है, डॉग्स क्या करता है कि सर डॉग या तो बार्क करता है या येल्प करता है, डव्स क्या करता है सर, डव्स सिंग नहीं करता, सी ऑप्शन एरर, डव्स तो सर कू ये करता है, कू और कू करता है, ठीक है, और सिंग कौन करता है, सिंग तो सर बर्ड करता है, सिंग कौन करता है, बर्ड्स करते हैं, तो सर हमारे यहां पे सी ऑप्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात, विच adjective पार्ट इज रॉन्ग, कौन सा adjective का पार्ट गलत है, कि सर पीस का मतलब शांति होता है तो इसका बन गया पीसफुल, तो पीसफुल क्या हो गया, adjective हो गया। पिक्चर मतलब तस्वीर होता है तो सर पिक्चरेस्क, ई एस क्यू यू ई, सर ये भी adjective है, ये भी adjective है। पॉम्प सर पॉम्प का मतलब दिखावा हो रहा है, पॉम्प्ट सर ये गलत है। प्रिंस का सर प्रिंस ली, सर ये भी adjective है, तो सी ऑप्शन में एरर है, पॉम्प का बनेगा पॉम्पस, पी ओ एम पी ओ यू एस, ठीक है, पॉम्पस, पी ओ एम पी ओ यू एस, पॉम्पस बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ स्टार्ट करो फटाफट से। ये लीजिए, टाइम एंड हुआ, पूछा जा रहा है रिमूव टू, आपको टू हटाना है, तो हमने सेंटेंस में देखा यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, तो इस टू की जगह तो हम करेंगे सो, और इस टू की जगह हम कर देंगे दैट, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज वेरी गलत है, सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी डज नॉट नीड अ ट्यूटर, बी नंबर हो सकता है, यहाँ पे इज के साथ में नॉट है और यहाँ पे टू दिया हुआ है, यहाँ पे टू दे दिया, मतलब सारे गलत हो रहे हैं, बी ऑप्शन इज राइट हियर, बी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर नाइन, चलिए समझते हैं, लिखा हुआ है कि लेस देन सेटिस्फैक्टरी गवर्नमेंट्स रिएक्शन टू द करंट सिचुएशन, तो टू से तो स्टार्ट होगा नहीं, फिर लिखा हुआ है लेस देन सेटिस्फैक्टरी, तो लेस देन सेटिस्फैक्टरी पी से इसमें स्टार्ट कर नहीं रखा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्यू से एक बार के लिए, तो क्यू से स्टार्ट करा, एक नंबर पे क्यू कर दिया कि गवर्नमेंट्स रिएक्शन इज, गवर्नमेंट का रिएक्शन है क्यू के बाद में एस, क्यू के बाद में एस, तो क्यू के बाद में एस,
तो हमने देखा ये रहा क्योंकि बाद में एस एक नंबर, ठीक है, कि गवर्नमेंट्स रिएक्शन इज, गवर्नमेंट का रिएक्शन है लेस देन सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी से कम है, सेटिस्फैक्टरी से कम है टू द करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन के लिए। तो यहां पे एक नंबर, ए नंबर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, एक मिनट 20 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना। क्वेश्चन नंबर 10, द डॉक्टर री अश्योर्ड, डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन वॉज ए रूटीन वन, कि ऑपरेशन तो क्या है, मेरे दिन का काम है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, किसे कहा, मुझे विश्वास दिलाया, तो री अश्योर्ड मी होगा, क्या होगा, रीअश्योर्ड मी, कि डॉक्टर रीअश्योर्ड मी, डॉक्टर ने मुझे विश्वास दिलाया कि द ऑपरेशन वॉज ए रूटीन वन, कि ऑपरेशन तो मेरा रूटीन का काम है, डेली का काम है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा, लिखा हुआ है कि आई वुड डू दिस, मैं ये करूंगा, इफ आई वॉज अलाउड, अगर मुझे आज्ञा दी जाती है, अगर मुझे आज्ञा दी जाती है तो मैं ये करूंगा, मुझे आज्ञा दी जाती है तो करूंगा, मतलब कल्पना है, वॉज की जगह आएगा वर, इफ आई वर अलाउड, अगर मुझे अलाउ किया जाता है, अगर मुझे अलाउ किया जाता है तो मैं ये चीज जरूर से करूंगा। क्वेश्चन नंबर बारह कि सर सोमवार का मतलब होता है सेड होता है ग्लूमी, glomy, ग्लूमी होता है, तो ए ऑप्शन हो गया, क्वाइट शांत होता है, सीरियस गंभीर होता है, स्लीपी सोया हुआ सा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सर इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो पैसा सोच समझकर खर्च करता है, सोच समझकर खर्च करने वाला मतलब बहुत कम खर्च करने वाला, तो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला एक्स्ट्रावेगेंट होता है, ल्यूक्रेटिव पैसा बनाने वाला होता है, एक्सपेंसिव महंगा होता है, स्टिंजी एक प्रकार का इकोनॉमिक होता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सर क्वेश्चन लिखा हुआ है ए चाइल्ड बोर्न, एक बच्चे ने जन्म लिया आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने पिताजी के मरने के तुरंत बाद में बेटा ने जन्म ले दिया, मतलब क्या हो गया, पोस्टिंग हो गई, किसकी पोस्टिंग होगी, ह्यूमन की पोस्टिंग होगी, कि ए पोस्टह्यूमस चाइल्ड, ए पोस्टह्यूमस चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, ईडीएम है बेटा, ईडीएम है फटाफट से, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, एक नया पत्ता आना, पुराना पत्ता टूट गया, नया पत्ता आना, पुराना पत्ता टूट गया, नया पत्ता आना, क्या होगा, कि टू शिफ्ट, क्या लिखा हुआ ये, कि सर टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, टू शिफ्ट अटेंशन इन न्यू प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग स्टडीड द ओल्ड वंस थ्रूअली, टू कवर अप वंस फॉल्ट्स बाय वियरिंग न्यू मार्क्स,
टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतों को चेंज करना और नई आदतों को अपनाना, पुरानी आदतों को चेंज करना और नई आदतों को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्ट स्पेल, कौन सी स्पेलिंग गलत है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। कंपोजिशन मिक्सअप करना होता है, ग्रामर ग्रामर होता है, लिटरेचर साहित्य होता है, पोएट्री कविता होती है, कि सर स्पेलिंग कौन सी गलत हुई, स्पेलिंग यहाँ पे ग्रामर की स्पेलिंग गलत हुई, जी आर ए डबल एम ए आर, ग्रामर की स्पेलिंग ये होगी। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ सुनिएगा, कि वॉट वॉज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन, स्ट्रेंजर की क्या कंडीशन थी फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड, जब उसने रॉबिन का बैंड ज्वाइन किया तब उस समय उस स्ट्रेंजर की क्या स्थिति क्या कंडीशन थी। वॉट डिड रॉबिन्स मैन डू, रॉबिन के आदमी क्या करते थे। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो, स्ट्रेंजर कैसे जाना कि रॉबिन हैड बेटर, रॉबिन अच्छा था स्किल के अंदर बजाय उसके। What name did Robin give him? Robin ने उसको क्या नाम दिया? Robin ने उसको क्या नाम दिया? Question number 17. सुनो, कि द स्ट्रेंजर एग्रीड, स्ट्रेंजर राजी हुआ टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड, रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करने के लिए, ओनली ऑन वन कंडीशन, एक स्थिति पर। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन, वो ज्वाइन करना चाहता था कॉम्पिटिशन को ऑफ शूटिंग का एरो विद रॉबिन, इफ यदि ही वॉज डिफीटेड, अगर उसको हराया जाए, इफ ही वॉज डिफीटेड, अगर उसको क्या किया जाए, हराया जाए। बी नंबर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू, रॉबिन के आदमी क्या करते थे, रॉबिन के आदमी क्या करते थे। इफ यदि ही वॉज डिफीटेड, यदि उसको हराया जाए इन दैट कॉम्पिटिशन में, तो ही वुड ग्लेडली ज्वाइन रॉबिन बैंड, वो रॉबिन का बैंड ज्वाइन करेगा, एंड हिज मैन और उसके आदमियों को, सून जल्दी ही अरेंजमेंट्स फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का अरेंजमेंट करने वाले कौन थे, कॉम्पिटिशन का अरेंजमेंट करने वाले कि वॉट डिड रॉबिन्स मैन डू, कि दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन के लिए क्या क्या करते थे, अरेंजमेंट्स किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, How did the strangers know that Robin had better skill than him? यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Robin's men surprised, Robin के आदमी जो Robin's के men थे वो surprised थे men की skill पर। Then Robin took the bow, Robin ने धनुष लिया, and shoot an arrow, एक एरो दागी, which not only hit the bull's eye, जो न केवल बुल की आई को लगा in the center पर, but broke the stranger's arrow, जबकि stranger के एरो को भी उसने middle से काट दिया। कि when Robin's arrow hit the bull's eye and broke the stranger's arrow, D option is right here, last question है, question number 20, कि what name did Robin give him, क्या नाम दिया गया उसको, कि my name is John Little,
मेरा नाम क्या है, जॉन लिटल है, रॉबिन कहाँ से पढ़ते हैं यहाँ से, इट विल बी ए प्लीजर फॉर मी टू ज्वाइन यू एंड योर मैन, माय नेम इज जॉन लिटल, रॉबिन एंड हिज मैन ग्लेडली वेलकम ही, बट रॉबिन सेड दैट फ्रॉम देन ऑन ही वुड बी नोन एज ए लिटिल जॉन। उसको किस नाम से जाना जाएगा, लिटिल जॉन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, लिटिल जॉन के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए बेटा, ठीक है। पेपर बड़ा अच्छा था, क्या मार्क्स हुए हैं जल्दी से जरूर से बताइएगा। अब मैथ्स का पेपर हम करेंगे और स्टार्ट हो रहा है, अब मैथ्स का पेपर लीजिएगा। ओके, आइए सर, बस एक सेकंड दो सेकंड, स्टार्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेक्शन अपना, है तैयार हो पूरी तरीके से? चलो जी गर्दा उड़ाते हैं। हर बार गुरुजी मैथ के अंदर ही दिक्कत आती है, आप पेपर हार्ड बनाते हो। चलो जी आज का जो पेपर है वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है, हालांकि कल भी मॉडरेट लेवल का था, एक दो क्वेश्चन देखकर आप घबरा जाते हो, बाकी इस पेपर बढ़िया बनता है। चलो जी पहला सवाल आप लोगों का है, आप बताइएगा रिक्त संबंध जो होता है वो कौन से टाइप का रिलेशन होता है। अगर मैं कहूँ आपके पास रिक्त संबंध है और वो रिक्त संबंध आपके पास कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपके पास ऐसा रिलेशन आ सकता है, और अभी समझना नहीं है इसको, है ना। चलो जी बताओ फाई, अगर मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट अगर नहीं है, रिक्त संबंध है ना, तो वो रिलेशन आपके पास कौन सा रिलेशन होगा, जवाब दीजिए पहले क्वेश्चन का। चलो जी जवाब दो फटाफट, कौन से टाइप का रिलेशन होगा बेटा, ये याद कर लीजिए, सममित एवं संक्रामक। सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, बस क्या होता है रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना बेटा इसका। चलो जी अगला सवाल, सिंपल क्वेश्चन, आज थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है भाई, आज सिंपल क्वेश्चन है, आज 25 में से 25 होने चाहिए, अगर आज नहीं हुए तो फिर कभी हो भी नहीं पाएंगे। हाँ जी, वाई के बराबर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वाई प्लस वन अपॉन वाई का वैल्यू आपको बताना है, बोलिए फटाफट बोलिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर उड़ाना है सवाल को। हाँ भाई जरा देखिए, आपको y के बराबर अगर मैं मानूँ e की पावर आयोटा थीटा मानूँ, है ना, तो ये होगा सर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, ठीक। अगर मैं लिखूँ 1/y तो ये होगा सर e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और इसकी वैल्यू होती है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस 1/y बराबर होगा सर 2cos थीटा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक। आगे चलो जी अगला सवाल, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद आपके पास है 9 और चौथा जो पद है वो है 4, तो उसका 7वां पद आपको बताना है क्या होगा, जो बताओ। चलो जी अरे सिंपल पेपर है, डरो नहीं। मैथ से ही डर लगता है गुरुजी, मैथ का पेपर आप जबरदस्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आज तो बिल्कुल सीधा सवाल है। हाँ जी आप देखिएगा, 10वां पद है और 10वें पद को क्या लिखोगे, ए आर की पावर 9। अच्छा जी कितना है, ये है सही है क्या 10वां पद। अच्छा चौथा पद क्या लिखोगे, ए आर का क्यूब लिखोगे, ठीक। अच्छा ये कितना है जी 4, डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, आर की पावर कितनी बचेगी, 6 बचेगी, ठीक है जी। अच्छा आपको क्या पूछा है, 7वां पद पूछा है ना, उसका 7वां पद क्या होगा। अच्छा 7वां पद निकालने के लिए अपन ने यहाँ पे आर की पावर 6 तो निकाल लिया, ठीक, आर की पावर अपने 10वां पद, ओहो देखो तो सही है। देखो तो सही सर, सवाल को 7वां पद है, इससे 3 कदम अगर आप आगे जाओगे तो कौन सा आ जाएगा 10वां, इससे 3 कदम अगर आप पीछे जाओगे तो 4th, रहे सीधा सवाल है ये तो, है आप जरा देखो, सेम टर्म आगे सेम पद अगर पीछे होता है तो वो तीनों टर्म जीपी में होती है, ये आपको 4 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, इसका मतलब तीनों जीपी में होगी तो ये आएगा अंडर रूट 4 × 9, इसका मतलब कितना आ जाएगा जी 6, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा सर, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। गई भैंस पानी में। अगला सवाल बोलो सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 के वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। चलो बताओ फटाफट, हिम्मत मत हारो मेरे सेरो, हिम्मत मत हारो, आज उड़ा दोगे आप सवालों को। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा समझना कि सर इस मोड को हटाने के लिए हम एक बार तो इसको 0 से बड़ा करते हैं, और 0 से बड़ा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 बराबर कितना आ जाता है 0,
यहां से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो x बराबर एक तो आएगा माइनस चार और एक आएगा माइनस एक, ये दो आपके पास सॉल्यूशंस आएगा। ठीक है जी, आपको क्या लेना है कि सर x की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जीरो से बड़ी है क्या ये दोनों वैल्यू? सही है क्या? आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा x प्लस चार इंटू एक्स प्लस एक, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये आएगा, इसके फैक्टर माइनस चार और माइनस एक होगा। इसका मतलब जीरो से बड़ा वैल्यू चाहिए क्या? जीरो से बड़ा है क्या? नहीं है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, हाथ नहीं लगा सॉल्यूशन। अगर हम x इज लेस देन जीरो करते हैं, x की वैल्यू जीरो से छोटी करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पाँच एक्स प्लस का चार बराबर जीरो, और यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एक और चार, फैक्टर बनेंगे ए से। यहाँ पे लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, तो गुरुजी ये दोनों लेस देन थोड़ी है, इसका मतलब झूठ, और झूठ तो नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर, नन ऑफ दीज डी ऑप्शन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। अगला सवाल, एक भ्रमण करती हुई क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी है, जिसमें से 5 तो गेंदबाज हैं, 2 विकेटकीपर हैं, इनमें से 11 खिलाड़ियों की ऐसी कितनी टीमें चुनी जा सकती है जिसमें 3 तो गेंदबाज हो, है ना, और एक क्या होना चाहिए जी? विकेटकीपर होना चाहिए। जवाब दो, 3 तो गेंदबाज हो और एक विकेटकीपर हो और बाकी के बैट्समैन ही बैट्समैन हो। चलो जी चलो जी चलो जी, जवाब दीजिए। टोटल 16 खिलाड़ी है, टोटल 16 खिलाड़ी है, इसका मतलब 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, 2 विकेटकीपर है, एक लेना है, तो चलो जी 2 में से एक ले लिया, ये तो विकेटकीपर ले लिया। 5 बॉलर है, 5 में से कितने लेने हैं? 3, 5 में से 3 ले लिए, इसका मतलब 4 तो सेलेक्ट कर लिए अपन ने, 4 सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, 16 खिलाड़ियों में से पहले तो आप इन 7 को बाहर निकालो, कितने बचे? 9। अब 9 में से जो बचे हुए हैं वो लेने हैं, कितने? 7 लेने हैं। 9 में से 7 लेने के तरीके 9c7 मल्टीप्लाई कर दो बस। 5c3 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा जी? 10 आ जाएगा। 2c1 को सोल्व करोगे 2, और 9c7 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 36 आएगा। हाँ जी बोलो, कितना आया? 720 आया क्या? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। बोलो जी, अरे भाई ए कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 सीधी सी कैलकुलेशन है यार। पहले अपन दो दो को चूज करते थे, बैट्समैन बॉलर को चूज करते थे, यहाँ पे विकेट कीपर और आ गया। विकेट कीपर 2 है, 2 में से एक ले लो, 2c1 टाइप से। और बॉलर कितने हैं? 5, 5 में से 3 लेने हैं, 5c3 टाइप से। कितने थे? 16 थे, 5 तो बॉलर थे, 2 विकेट कीपर थे, 7। 7 को माइनस करोगे इसका मतलब 9 बैट्समैन है, और 9 में से कितने लेने? 11 बनाने के लिए 7 लेने हैं। आगे चलिए सर, अगला सवाल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1, आपको एक्स की सिंगल पावर का गुणांक निकालना है, एक्स की पावर 1 का गुणांक आपको निकालना है। जवाब दीजिए, सीधा सवाल है और आप आराम से एक एक कोफिशिएंट से भी पहचान सकते हैं सवाल को। एक्स की सिंगल पावर का कोफिशिएंट हाँ जी समझिए, ऐसे केस के अंदर हम ये जो पावर होती है उसको तो क्या मानते हैं? एन, और एक्स की पावर 1 इसी को हम क्या मानते हैं जी? एम। ये जो पावर होती है उसको अल्फा, और यहाँ पे जो पावर होती है उसको क्या मानते हैं? बीटा। तो ऐसे केस में आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर क्या होता है सर? आर होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है जी। अच्छा, एन अल्फा करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10, माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 1, इसका मतलब 9/3 करोगे तो कितना आएगा? 3। R की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका मतलब आप क्या करोगे? 5c3। अब कोफिशिएंट लिखने के अंदर हम x को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम दूसरी टर्म की पावर 3 लगा देंगे, मतलब a की पावर 3 वाला आएगा, और a की पावर 3, इसका मतलब B ऑप्शन सही है। बोलो सही है क्या? B ऑप्शन आपका राइट आंसर ठीक है क्या बेटा? एप्लीकेशन के ऊपर मॉक 9 PM पर आएगा, है ना, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आएगा, फुल सिलेबस का, रेडी रहना उसके लिए। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, इनामें भी मिलेगी, है ना, खेलो और जीतो। अगला सवाल है आपके पास डिटर्मिनेंट का, और जवाब देना है सोच समझकर जवाब दीजिए। मैथ्स का नाम सुनते ही बच्चे गायब। चलो जी चलो 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 चलो, राजस्थान में भैंसे तैरती है, हाँ डूबती भी है तैरती भी है। चलो चलो, आज बहुत सिंपल पेपर है, आज 25 फोड़ सकते हो, है ना, आज 25 फोड़ सकते हो।
हाँ भाई क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो आप, है ना, ज़्यादा सिंपल हो जाए। ऐड करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन, इन दोनों को ऐड करोगे वन, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, टू आएगा। ठीक, तो ये आएगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस दस, यहाँ पर है सर आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है बारह, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को और जोड़ सकते हो, जिससे आपके पास थोड़ी झंझट खत्म होगी। एक और एक कितना हुआ, दो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक, इसको इसमें जोड़ोगे तो दो। ठीक, और कॉलम आपके पास वन साइन स्क्वायर एक्स और 12 इज इट इज, ये 2 1 और 2 आपका ऐसा का ऐसा। इस दो के रेस्पेक्ट में प्रसार करिए, दो के रेस्पेक्ट में प्रसार करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 12। ठीक, अच्छा इस 1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करोगे 2 माइनस 2 0, इस 2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो 12 माइनस 2, 2 के रेस्पेक्ट में करना है ना आपको, तो कितना आएगा 12 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब कर दीजिए, दो को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर कैंसिल, इसको इससे माइनस 24 प्लस 24, मतलब इसके बारे में तो चाहे कुछ भी दे दो गुरुजी, तुक्का हमारा जीरो पे ही लगेगा, आप चाहे जो कर लो। सही है क्या, क्लियर है, जीरो कहाँ पे हो गया, दो कॉलम बराबर आ गए क्या, दो कॉलम बराबर आ, दो कॉलम बराबर आ तो गए, दो कॉलम अगर बराबर आ गए तो वैल्यू तो वैसे ही लुल हो गई है, जीरो हो गई। क्लियर है, चलो जी आगे चलिए। ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह है, तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है वो बताओ। ए और बी समान कोटि के अगर वर्ग आव्यूह हैं तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है। हाँ जी जवाब दीजिए, कौन सा सही हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 8। गुरुजी जब तक सवाल आता रहेगा ना तब तक तो करते रहेंगे, और एक भी सवाल अगर आपने हार दिया तो भाग जाएंगे, है कायरों की जैसे मैदान छोड़कर भागने की आदत छोड़ दो, एग्जाम में भी वही रहेगी वरना। हाँ जी, समान कोटि के वर्ग आव्यूह जब होते हैं तो उनके अंदर योग तो किया जा सकता है, योग किया तो a प्लस बी बी प्लस ए बराबर होता है, a माइनस बी बी माइनस ए बराबर होता है क्या, गलत, गुणा बराबर होता है क्या, गलत, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, है ना, ए बी बराबर ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, गलत है बेटा, प्लस कर सकते हैं आगे पीछे करके लेकिन गुणा नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, साइन कोस 10 प्लस साइन 10 कोस 10 माइनस साइन 10, बोलो, माइंड कैलकुलेशन कर लो, 20 सेकंड ऐसे सवाल में 20 सेकंड लगाओगे, ऐसे सवाल में 20 सेकंड लगाओगे आप, इधर कोस 10 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा सर आपका 1 प्लस का 10 10 अपॉन 1 माइनस 10 10 आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा क्या होगा, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा 45 प्लस 10 55 10 55 10 55, राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, 10 55 आपका राइट आंसर होगा। गुरुजी आज मजा आ रहा है, आप अधिकतर क्वेश्चन वही दे रहे हैं, अरे भाई साहब बीच के अंदर हिलोरे लगते हैं इस नाव में बैठते हैं तो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है, थीटा का सर्वव्यापक मान कितना होगा, थीटा का सर्वव्यापक मान क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है, जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 10। गुरुजी जो नहीं आते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, समझा करो बात को। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो इसको अगर मैं लिखूं 1/2 का स्क्वायर लिख दूं, सही बात, तो ऐसे केस में आप जरा देखो कि ये वैल्यू किसकी है, पाई बाई 6 की वैल्यू है, तो ऐसे केस में थीटा बराबर होगा आपका एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, क्लियर है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 आपका राइट आंसर, क्लियर हुआ। आगे चलो जी, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलो, फोड़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर है 2 tan इनवर्स x, तो क्या सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है, डायरेक्ट याद करवाया हुआ है बेटा, यहाँ पर अगर आप tan अल्फा रखते हो ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला होता है। ठीक, और ये फॉर्मूला किसका होता है कि सर ये भी ऐसा का ऐसा ही है, वो 2 tan इनवर्स b का हो जाएगा, कहाँ गड़बड़ है, ये दो और ये वाला दो कैंसिल, और इधर दो tan इनवर्स को एक जगह करोगे तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी आएगा। ठीक है, इधर होगा tan इनवर्स, ठीक, बराबर इधर आएगा आपके पास tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कटा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, a प्लस बी अपॉन। ठीक है क्या, आगे चलिए।
हाँ जी, अगला सवाल, 3, -2 और -3, -4 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। हाँ जी, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए फटाफट से। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं, क्या होंगे समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बोलो सर जल्दी बोलो। हाँ जी, समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु होंगे वो आप ये देखो कि सर, अगर मैं ऐसा लिखूं कि एक पॉइंट तो आपके पास 3, -2 है और दूसरा पॉइंट है -3, -4। समत्रिभाजित का मतलब ऐसे समान तीन भागों में विभाजन हो गया, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर है, इसका मतलब इधर एक है तो इधर कितनी है, दो दूरियाँ हैं 1:2 में, और ये वाला पॉइंट 2:1 में। ये वाला पॉइंट निकालोगे, एक इधर मल्टीप्लाई होगा, दो इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 - 3 कितना आया 3, नीचे कितना है 3, एक को इधर मल्टीप्लाई करोगे -4, इधर -4, -8/3, -8/3, बोलो आ रहा है क्या, 1, -8/3 आ रहा है सर, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आया। ठीक है, क्या क्लियर है, ये एग्जाम में आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अरे गुरुजी, जो हमारे को आ रहा है ना वो तो आएगा है, जो हमारे को आ रहा है वो तो आएगा, यही तो बात होती है, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। चलो जी, जवाब दो भाई, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13, ax² + 2hxy + 3y² + 4x + 8y - 6 एक वृत्त को निरूपित अगर करता है तो a का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू बताओ। अच्छा, टाइम भी हो गया सर, आप जानते हो ये जो इक्वेशन होती है उसमें x² y² का कोपिसेंट बराबर होना है, x² y² का कोपिसेंट बराबर करोगे तो a बराबर 3, और h बराबर क्या होता है, xy का कोपिसेंट 0 होता है ना, तो इसका मतलब h बराबर 0 और a बराबर कितना होगा, 3 होगा, इसका मतलब ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या आएगा ना एग्जाम में, आएगा कि नहीं आएगा, ये यस नो तो बता दो, यस और नो जवाब दो, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। ले बेटा, लगा ले मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देख ले इसका धर्म भाई, जरूर आएगा एग्जाम में, दिखेगा ऐसा। नाभिलंब की लंबाई लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, लेटस रेक्टम की लेंथ। हाँ भाई, नाभिलंब की लंबाई निकालने का जब कोई इक्वेशन ऐसी, वैसे तो क्या होता है, वैसे तो होता है 4a, लेकिन इसमें 4a निकालना मुश्किल है, तो इसका लॉजिक है क्या है, आप देखो डबल पावर किस में है, y की टर्म्स में है, और सिंगल पावर है y की टर्म्स में, तो सिंगल पावर का कोपिसेंट अपॉन डबल पावर का कोपिसेंट, यही राइट आंसर हो जाता है, कितना आएगा 4, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है। डायरेक्ट निकाल लीजिए x की, जो डबल पावर है, डबल पावर y x में है ना, तो आप सिंगल पावर का कोपिसेंट, ऊपर तो सिंगल पावर का कोपिसेंट अपॉन डबल पावर का कोपिसेंट, यही आंसर आ जाता है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पॉजिटिव लिख दिया करो। अगला सवाल, किन्हीं भी दो सदिशों ए व बी के लिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ये आएगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कि गुरुजी ए क्रॉस बी के बराबर क्या लिखा जाता है, ए क्रॉस बी के स्क्वायर के बराबर, तो ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये किस में आ सकता है वो देखो, क्या इस केस के अंदर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा क्या, क्योंकि डॉट है इसमें है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ये जो ए डॉट बी है उसको लिखा जाएगा ए बी कोस थीटा लिखा जाएगा है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस जब आप करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर, 1 - cos² θ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो आया, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है बेटा। क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अगला सवाल, मूल बिंदु से एक समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, आ जाओ भाई, 2, -4, -3 है तो समतल का समीकरण आपको बताना है क्या होगा, समतल का समीकरण आपको बताना है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक है, सोचो जरा, सोचो कैसा हो सकता है। सर ऐसे तो मत बेइज्जती करो, अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ,
समझो भाई, अगर मान लो कि मैं कहूँ कि ये तो प्लेन है आपके पास, है ना, और इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है मूल बिंदु से, ये है 0.0.0। अच्छा, यहाँ पे लंबपाद डाला है तो ये जो पॉइंट होगा 2.4.-3 होगा, मतलब समतल कहाँ से पास होता है वो पॉइंट पता चल गया। और मैं कहूँ समतल का जो, अगर ये लंब डाला गया है ना, यहाँ पे लंब डाला गया है, तो इसका मतलब अभिलंब हो सकता है, ये अभिलंब इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, तो इसके दिक् अनुपात भी निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, x2-x1, y2-y1, z2-z1, ये होगा ए बी सी का मान होगा। अच्छा जी, फॉर्मूला हम लगाते हैं ऐसा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस का बी वाई माइनस वाई वन और प्लस सी जेड माइनस जेड वन, है ना। या तो आप ऐसा कर दो या फिर आप सेटिस्फाई करवा दो, उससे भी आपका काम हो जाएगा, फॉर्मूला भी बता दिया। अच्छा, 2, 4, -3 सेटिस्फाई किसको कर रहा है, 2 इसमें रखोगे तो 4, 4 इसमें रखोगे तो माइनस का 16, 3 -3 इसमें रखोगे तो प्लस का 9, क्या आ रहा है क्या 29, नहीं। इसका मतलब अगर ये प्लस होता तो आ जाता, अतः ये प्लस किस में हो सकता है कि गुरुजी देखो इसके अंदर हो सकता है। अच्छा, 2 इसमें रखा तो कितना 4, 4 इसमें रखा तो प्लस का 16 और -3 इसमें रखा तो प्लस का 9, गुरुजी आ गया 29, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही है, आएगा ना, हाँ ये आएगा। चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, फाई एक्स बराबर है ए की पावर एक्स और फाई पी की पावर 3 है, तो बताओ कि ये कौन सा आपके पास हो सकता है। लो, बेईमानी से बहुत बेईमान हो रहे हो तुम आजकल, बहुत बेईमानी सीख ली। क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देव फटाफट। कितना सीधा ही तो सवाल है, इतना टाइम लोगे क्या सवाल को सोल्व करने में। हाँ जी, समझिए, आपके पास फाई एक्स बराबर ए की पावर एक्स है, आप सबसे पहले ये निकालो फाई पी, फाई पी जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाई यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ए की पावर पी आएगा। अगर मैं करूँ कि आप इसका क्यूब कर दो तो इसका क्यूब करने पे आपके पास क्या आएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी ए की पावर 3p, ए की पावर कितनी आएगी 3p। अच्छा जी, ए की पावर 3p कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो ये लिखा हुआ, ये 3p फाई 3p लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पे है, मैं 3p लिखूँ तो 3p यहाँ पे आएगा, तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आपका यही राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है क्या, ए ऑप्शन, बी तो कोई हाल में नहीं बनेगा बेटा, बी तो कोई हाल में नहीं बनेगा, क्लियर हुआ, ठीक। अगर आप ये बता रहे हो ना 3 × 5p, वो तो आ जाएगा 3 × a की पावर p, क्या ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा थोड़ी आ रहा है, ऐसा पावर के अंदर आना चाहिए, पावर में तब आएगा जब ये एक्स की जगह आप 3p लिखोगे तो। हाँ जी, अगला सवाल, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स अपॉन 3 अप और पावर दे रखी है 2/x, 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म वाली है लिमिट, जवाब दो। चलो जी, जरा देखिए कि सर जब भी 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म बनती है तो हम बेस में से तो 1 माइनस कर देते हैं, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स अपॉन 3 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है जी, माइनस 1 और पावर से मल्टीप्लाई, पावर क्या है जी 2/x, ठीक। अच्छा, अगर मैं इस पूरे में एलसीएम ले लूँ तो ये 3 यहाँ पे जाएगा, आप जरा देखो यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है एक्स टेंस टू 0 और बेस ई बनाना है, x बराबर 0 लिखोगे 1 1 1 3, 3 - 3 0, नीचे x की जगह 0 रखते ही काम खत्म, आपको L ये लगाना पड़ेगा L हॉस्पिटल, तो ये जो 2 और ये 3 है इसको तो रहने दो ऐसा का ऐसा, आप a की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे a की पावर x log a, b की पावर x का करोगे b की पावर x log b और c की पावर x का करोगे c की पावर x log c, ठीक। और ये जो नीचे x है आपके पास वो कितना हो जाएगा 1, ठीक। x बराबर अब रखो 0, ये 1 ये 1 ये 1, ये तीन संख्याएं लोग के अंदर प्लस में है तो एक साथ किस में लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर, तो वैसे एक्चुअल के अंदर ही आएगा लोग ए बी सी आएगा। अच्छा जी, इसके साथ में यहाँ पे 2/3 भी है, अच्छा ये 2/3 जो होगा वो चला जाएगा इसकी पावर में, ठीक। और फिर पूरे का बेस ये जो ई था तो ई बेस लगाने से ई लोग ई हट जाएगा, इसका मतलब ए बी सी की पावर आएगी 2/3 है कि 1/3 है, 2/x, कहीं दिख रहा है, दिखा क्या बोलो, 1/3, 2/3 आनी चाहिए पावर, यहाँ पे 1/3 आ रही है, इसका मतलब नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन कईयों की भैंस पानी में गई भाई, सी ऑप्शन है, ए बी सी की पावर 2/3 आएगी भाई,
एबीसी की पावर 2/3 1/3 देख के गुरुजी ये लगा दी, आसपास ही तो मिल रहा है, -0.25 मिल गया भाई। चल अगला सवाल, वाई स्क्वायर बराबर 18x पर स्थित वह बिंदु जहां कोटि के बढ़ने की दर, कोटि के बढ़ने की दर भुज के बढ़ने की दर की क्या है, दोगुनी है। कोटि के बढ़ने की दर भुज के बढ़ने की दर की दोगुनी है। हमारा ऑफिस कहाँ है, रेनवाल में। अब यार आप सर्च कर लेना, है ना, कहीं पे सर्च कर लेना, महावीर स्कूल के आसपास स्टेशन के पास में है, है ना, स्टेशन के पीछे की साइड में है हमारा ऑफिस। और चौबंदी कर दिया। हाँ जी, जरा देखो कोटि के बढ़ने की दर कितनी होगी। कोटि के बढ़ने की दर, कोटि होती है y, वाई के बढ़ने की दर dy/dx, ठीक। अच्छा, भुज के बढ़ने की दर, भुज के बढ़ने की दर है dx/dt। आपको दे रखा है कोटि के बढ़ने की दर भुज के दोगुनी है, तो भुज के बढ़ने की दोगुनी ऐसा कर दिया। अच्छा, इसका dy/dx करोगे तो क्या आएगा, 2y dy/2y, और y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx। dy/dx की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। वैसे सीधी सी बात है कि अगर आप इसमें पॉइंट सेटिस्फाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट सेटिस्फाई करके देखो, जैसे ये माइनस वाला पॉइंट, x जब माइनस का होगा, x माइनस का होगा वो तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये तो गलत है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जब आप रखोगे x की वैल्यू 2 तो 36 आ जाएगा, और -4 जब आप रखोगे ना तो 36 नहीं आएगा, 16 आएगा, गलत। तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत। x की वैल्यू 2 रखने पे 36 आएगा, y की वैल्यू 4 रखने पे गलत है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, रख लो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू 9/8 रखोगे तो आपके पास ये आएगा 9/8, ठीक है जी, 9/8 आया। और इधर जब आप 9/2 रखोगे तो 81/ कितना आ जाएगा आपका, 4 आएगा। देखो इधर भी 81/4 ही आ रहा है, मतलब जो पॉइंट सेटिस्फाई करे वही तो राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ हाँ, चलो जी, हाँ आना कभी हवेली पर। अगला सवाल, आओ कभी हवेली पर, लेकिन सिलेक्शन के साथ में आना भाई, है ना, बिना सिलेक्शन मत आइयो। चलो जी, 15 सेकेंड देते हैं अब सवाल के लिए, आओ कभी हवेली पर। चलो चलो, लुल हो गए। चलो 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 भाई बताओ। लो जी, टाइम भी हो गया इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको, हाँ समझिए, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना टी के रेस्पेक्ट में। पहली बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे dx/dt तो इसके अंदर से 4 आ गया जाएगा, माइनस का 4a sin 4t आ जाएगा, ठीक। इसके अंदर अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आ गया जाएगा, 4b cos 4t आ जाएगा। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार फिर से करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 16a cos 4t आ जाएगा, और जब आप इसके अंदर से करोगे तो माइनस, कोस का माइनस होगा, और 16b sin 4t आ जाएगा। अच्छा जी, इस पूरे में से माइनस का 16 बाहर निकालो, फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये स्टार्टिंग वाला बचेगा x, माइनस का 16x, तो माइनस 16x कौन से ऑप्शन के अंदर है, पहले में ही है, माइनस 16x आएगा ना, ये तो एग्जाम में आएगा। गुरु जी हमारे को आ गया, जो हमारे को आता है वही तो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 लगाओ मेरे लाल फटाफट से, 1/(x)√1+log(x) क्या हम कितना स्कोर कवर कर रहे हैं, 55 के अप्रोक्स जा रहे हैं क्या, 55-50 के अप्रोक्स स्कोर जाना चाहिए भाई इस पेपर के अंदर। और मैथ्स के लिए मैं बता दूं कि ऐसा पेपर जब भी लगे, ऐसा पेपर इसके अंदर 17+ तो प्रत्येक बच्चे का सही होना ही चाहिए, कोई भी हाल में आपका सही होना चाहिए। चलो जी, टाइम आपका हो चुका है, सुनिए मेरे लाल, आप जरा देखो डिफरेंशिएशन किसका, कि गुरुजी पूरे को ही मान लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट सही थी, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट 1+log(x) इसको अगर मैं टी अज्यूम किया तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/(√1+log(x) ये तो हुआ स्क्वायर रूट का, और 1 का करोगे 0, log x का करोगे 1/x। इसका मतलब गुरुजी ये पूरी जो संख्या है, ये पूरी संख्या, इस 2 को इधर भेज दो, पूरी की पूरी संख्या आ गई, देखो ये पूरी की पूरी संख्या 2dt से रिमूव हो जाएगी, 2dt, और इसका करोगे तो 2t+c, और t का वैल्यू क्या है, 2√1+log(x), 2√1+log(x+c, कहाँ दिखा, क्या दिखा, सी ऑप्शन पे आएगा ना एग्जाम में। हाँ, अधिकतर ने सही आंसर दिया है, मतलब आएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 लगाओ मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 22 बोलिए सर, बोलिए क्वेश्चन नंबर 22। चलो जी बोलो,
इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन देखते हैं, देखे कितने के बच्चे कर पाएंगे। इंटीग्रेशन करना है, चलो जी टाइम हो चुका है सर आपका। हाँ जी समझिए सर, आपके पास ऐसा है वन अपॉन इसको मैं टू का स्क्वायर लिखूं प्लस आपके पास इसको मैं तीन एक्स का स्क्वायर लिखूं, बात सही है। जब दोनों संख्याएं वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला लगता है वन अपॉन ए, ए का मान कितना है दो, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और एक्स का वैल्यू क्या है जी तीन एक्स अपॉन कितना है जी दो, ठीक इस पे लिमिट लगाओ आप इस पे लिमिट, लेकिन 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 यहाँ पे वेरिएबल के मल्टीप्लाई में क्या है तीन, तो तीन का डिवाइड भी होगा, ठीक है ना, ऐसा ध्यान रखना है। जब आप लिमिट रखोगे जीरो से लेकर दो बटा तीन, दो बटा तीन रखने से ये कितना बन जाएगा वन, तो यहाँ पे तो आ जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो ये वन का वैल्यू पाई बाई फोर आ जाएगा और ये आया एक बटा छः, इसका मतलब पाई बाई ट्वेंटी फोर, राइट आंसर बी ऑप्शन। बोलो सही है क्या, बी ऑप्शन आया कि नहीं आया आधे बच्चों के सी आ गया है, पाई बटे चौबीस आपका राइट आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक बोलो क्लियर। आगे चले, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गुरुजी ये तो हमारा फेवरेट है, है? ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, कोटि और घात का ही सवाल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में से। पिछली बार तो मैक्सिमम टाइम यही था, मैक्सिमम शिफ्ट के अंदर कोटि और घात का ही सवाल था सर, कोटि कितनी होगी घात कितनी होगी। अच्छा इसमें घात ही पूछा है, बताओ घात कितनी होगी कि सर यहाँ से पावर एक बटा दो हटाएंगे ना नीचे से दो, तो इधर पावर आपको दो लगानी पड़ेगी, ठीक है इधर पावर दो लगा दो, इससे ये कैंसिल हुआ तो तीन दूनी कितना हुआ छः, घात कितनी हो गई छः, डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अच्छा गुरु जी जाते जाते एक तो सही हुआ, चलो जी अगले सवाल में आ जाओ प्रोबेबिलिटी में। ऐसा दे रखा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएँ हैं, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पे पी ए बराबर 0.40, पी बी बराबर 0.50, न तो ए हो और न बी हो, घटनाएं कौन सी हैं स्वतंत्र, है ना। हाँ इस बार बजा देना है डंका, इस बार बजा देना है डंका, हाँ लोगों का हिलाना है पंखा भाई, है ना इस बार बजाना है डंका और लोगों का हिलाना है पंखा, तो तैयार हो जाओ मेरे शेरो, है ना। चलो 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 जी टाइम हुआ, हाँ जी समझिए आपको न तो ए और न ही बी, न तो ए होना चाहिए और का वर्ड इंटरसेक्शन नहीं बी। अच्छा जी ए बार इंटरसेक्शन बी बार को क्या लिखूँ मैं कि सर इसको ए यूनियन बी का होल बार लिख दो, और ए यूनियन बी का होल बार को क्या लिखूँ मैं पी ए यूनियन बी लिख दो। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने ये कहा था न तो ए होता है और न बी होता है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो पी ए बार इंटू पी बी बार कर सकते हो, क्योंकि ये भी स्वतंत्र होती है, ठीक है नहीं तो इस फॉर्मूले लगा के कर दो। पी ए बार का मतलब क्या है, एक में से माइनस करो 0.60। अच्छा पी बी बार क्या होगा, एक में से माइनस करो 0.50। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो शायद 0.3 के आसपास आएगा, डी ऑप्शन सही है। अरे सही है क्या, ठीक है क्लियर। अच्छा बी वाले गई भैंस पानी में, बी वालों की आंसर आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा, ठीक। अच्छा जी लास्ट सवाल, किसी दुर्बल देखो लैंग्वेज देखो, किसी दुर्बल असममित बंटन के बहुलक और माध्य सात और चार है तो माध्य का कितनी होगी। बहुलक तथा माध्य क्रम से क्या है सात और चार है, तो माध्य का बताओ जी कितनी होगी। चलो जी लास्ट सवाल है, और बेटा क्लास एंड होने के बाद में प्रत्येक बच्चा अपना स्कोर जरूर कमेंट करेगा इस सवाल में, तो आपको पता है कि फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, है ना, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। चलो जी समझ में आ गया होगा कि गुरुजी जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन के बराबर होगा आपका एक बटा तीन टू इंटू मीन और प्लस क्या होगा जी मोड होगा, ठीक है। इसका मतलब माध्य क्या है जी, माध्य है सर आपका बहुलक और माध्य, मतलब माध्य तो है चार, दो इंटू चार प्लस बहुलक क्या है जी सात और बटे गुरुजी तीन, इसका मतलब चार दूनी आठ सात पंद्रह, पंद्रह बटे पांच आएगा सर, पांच आपका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसमें भी डूब गई भैंस, अरे भाई स्टैटिक्स का सवाल है, कितना सीधा सा सवाल है, मतलब माध्य का बराबर तीन इंटू माध्य का, तीन इंटू माध्य का बराबर दो इंटू माध्य और प्लस क्या होता है बहुलक होता है, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं बेटा, है ना, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाना था आपको, ठीक है। चलो जी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए, और मैं आपको बता दूं कि आप खेल सकते हो, जीत सकते हो, क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए और जीतिए।
आज शाम को 9 बजे, हमेशा शाम को 9 बजे हमारा ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट है, 9 बजे तैयार रहना। और फर्स्ट रैंकर को 500 रुपये मिलेंगे बेटा, फर्स्ट रैंकर को 500 रुपये बड़ा प्राइज है, स्टार्टिंग में बड़ा रखा है, 500 रुपये मिलेगा सर फर्स्ट रैंकर को। और अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ बेटा, कि जो जितना लेट आएगा ना वो उतना ही पीछे जाएगा, ठीक है ना, जितना लेट आएगा उतना ही पीछे जाएगा। तो 9 PM पे ध्यान रखना, 9 PM पे रेडी रहना, नहा धो के बैठ जाना मोबाइल लेकर, पहले से ही ऐप को चालू ही रखना, है ना। उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग होगी वो बता दी जाएगी, क्या प्रोसेस है वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, वो प्रोसेस समझिए सर आप, है ना, प्रोसेस समझिए। काफ़ी बच्चों को उसमें क्या है कि पता नहीं चल पा रहा ऐप में, हालांकि हम वीडियो से आपको क्लियर और कर देंगे, लेकिन आप जब ऐप को खोलोगे, ऐप को जब खोलोगे तो आपको नीचे यहाँ पर 5 आइकन दिखेंगे सर, 5 आइकन दिखेंगे। यहाँ पर जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माई एग्ज़ाम, ठीक है, माई एग्ज़ाम यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक फोटो आएगी, और उस फोटो के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई आएगी, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपका प्रैक्टिस लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे लाइव लिखा आएगा। जब आप इस लाइव पे क्लिक करोगे तो अगली जो विंडो खुलेगी, उस अगली विंडो के अंदर यहाँ पर एक टेस्ट लाइव दिखाएगा और यहाँ पर एक टेस्ट लाइव दिखाएगा, और उसमें टाइमिंग चल रहा होगा कि इतने टाइमिंग में स्टार्ट हो जाएगा। एक होगा गुरुजी एक्स ग्रुप का, एक तो होगा आपका एक्स ग्रुप का, जिसमें होगा सर 70 क्वेश्चन होगा और 60 मिनट लिखा हुआ होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है एक्स ग्रुप वाले बच्चों को, जो स्टार्ट हो जाएगा 9 PM पर स्टार्ट हो जाएगा, उसका टाइमिंग अभी से स्टार्ट हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, नहीं तो हो ही जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये वाला जो टेस्ट है आपका वो है वाई ग्रुप के लिए, उसका टाइमिंग 11 बजे, ठीक है ना, तो तैयार रहना 9 बजे, खेलो जीतो ले जाओ, लूट लूट के ले जाओ, हैं, लूट लूट के ले जाओ, और ये हमेशा होगा, हमेशा होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आते हैं, और 500 रुपये सेफ होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट रैंकर को मिलेगा आर एस सर से मिलने का मौका, तो जानने के लिए देखिए सालू का अगला प्यार सालू के प्यार का अगला एपिसोड। चलो जी, हम आपसे विदा लेते हैं, है ना, विदा लेते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर, और तब तक का बने रहिएगा, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करिएगा। टेस्ट का लिंक नहीं है, आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा और वो टेस्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, टीम आर एस सर, ठीक। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज़।